संवाद बुढ़ापे का अवसाद है अपने भाव को व्यक्त करने का, तो नारी के अंतर्मन का मवाद है खुद को खुद में खोने का। संवाद बुढ़ापे का अवसाद है अपने भाव को व्यक्त करने का, तो नारी के अंतर्मन का मवाद है खुद को खुद में खोने का। संवाद बेटे की किलकारी में भी है, संवाद बेटे की किलकारी में भी है और त्योहार की बधाई देती पिचकारी में भी। कुछ टुकड़े हैं कुछ यादें हैं, कुछ टुकड़े हैं कुछ यादें हैं, कुछ किस्से हैं कुछ बातें हैं। कुछ टुकड़े हैं कुछ यादें हैं, कुछ किस्से हैं कुछ बातें हैं, कुछ सिसकियां हैं कुछ बाराते हैं। इन बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी नौकरियां हैं। मैं जॉब होल्डर हूं, मुझे 11 सालों के जॉब करते हुए तो शायद वही दर्द है। कुछ टुकड़े हैं कुछ यादें हैं, कुछ किस्से हैं कुछ बातें हैं, कुछ सिसकियां हैं कुछ बाराते हैं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी नौकरियां हैं, इन नौकरियों में जिंदगानी खोते कुछ सूने नगमे और कुछ खाली मैखाने हैं। इन नौकरियों में जिंदगानी खोते कुछ सूने नगमे और कुछ खाली मैखाने हैं। कभी फुर्सत मिली तो बैठे यारों के साथ, कभी फुर्सत मिली तो बैठे यारों के साथ, दो घूट से पहले तरक्की की बातें और फिर वही पुरानी यादें हैं। जब भी पुराने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो जैसे मिलते हैं पहले अपने सारे एम्बिशन सारे टॉपिक डिस्कशन होते रहते हैं, फिर जब चढ़ जाती है ना तो वही कॉलेज के दिन याद आते हैं। तो कुछ टुकड़े हैं कुछ यादें हैं, कुछ किस्से हैं कुछ बातें हैं, कुछ सिसकियां हैं कुछ बारातें हैं। इन बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी नौकरियां हैं, इन नौकरियों में जिंदगानी खोते कुछ सूने नगमे और कुछ खाली मैखाने हैं। कभी फुर्सत मिली तो बैठे यारों के साथ, दो घूट से पहले तरक्की की बातें और उसके बाद वही पुरानी यादें। हम लोग अपनी लाइफ में काफ़ी रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए कभी कभी कुछ बातें हो जाती हैं, हम उसे फिर उससे बात करना छोड़ देते हैं, सोचते हैं चलो जाने दो, इग्नोर करने लगते हैं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन करते रहने से हमारे सारे मन का मलाल भी दूर होता है। तो उसी कम्युनिकेशन या उसी संवाद पे कुछ लाइन्स है। शायद संवाद एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को लोगों से जोड़ने का। आज हम लोग भी इतने लोगों से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरह से एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। कुछ लोग म्यूज़िक के थ्रू कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी पोएम के थ्रू कर रहे हैं। ये एक टाइप का कम्युनिकेशन है, तो उसी संवाद पे है। संवाद हर पहेली का समाधान, संवाद हर पहेली का समाधान, फिर भी नहीं अपनाता कोई ये प्रावधान। संवाद आंखों से भी होता है और इशारों से भी, संवाद आंखों से भी होता है और इशारों से भी, संवाद बातों से भी होता है और मौन रहकर भी। संवाद अगर समीर है तो माध्यम उसकी तीव्रता, संवाद अगर समीर है तो माध्यम उसकी तीव्रता, संवाद अगर नीर है तो माध्यम प्रगाढ़ता, संवाद अगर एक तरफा है तो मन की बात, संवाद अगर एक तरफा है तो मन की बात और चौतरफा है तो झंझावात, जो झंझट पैदा करता है। संवाद अगर एक तरफा है तो मन की बात और चौतरफा है तो झंझावात। संवाद बुढ़ापे का अवसाद है, संवाद बुढ़ापे का अवसाद है अपने भाव को व्यक्त करने का। जनरली हमने अपने घरों में देखा है बाबा दादा ये लोग जो होते हैं वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, वो अपने पूरे जीवन का अनुभव बताते हैं हमें वहाँ बोलते बोलते, लोग उन्हें सुने भले कम लेकिन वो बोलते रहते हैं। संवाद बुढ़ापे का अवसाद है अपने भाव को व्यक्त करने का, तो नारी के अंतर्मन का मवाद है खुद को खुद में खोने का। संवाद बुढ़ापे का अवसाद है अपने भाव को व्यक्त करने का, तो नारी के अंतर्मन का मवाद है खुद को खुद में खोने का। संवाद बेटे की किलकारी में भी है, संवाद बेटे की किलकारी में भी है और त्योहार की बधाई देती पिचकारी में भी। संवाद बेटे की किलकारी में भी है और त्योहार की बधाई देती पिचकारी में भी। मिथ की चेष्टा संवाद तोड़ना है, मिथ की चेष्टा संवाद तोड़ना है और सत्य का आधार ही संवाद जोड़ना है। संवाद गीत है आशीष है, संवाद गीत है आशीष है, रुदन है करुणा है, संवाद गीत है आशीष है, रुदन है करुणा है, कमजोर भी है और प्रभावी भी। मनमोहन सिंह का कमजोर था, मोदी जी का प्रभावी है। संवाद गीत है आशीष है, रुदन है करुणा है, कमजोर भी है और प्रभावी भी। संवाद माँ के हाथ की खीर है, संवाद माँ के हाथ की खीर है तो पिता के आंखों का नीर भी। संवाद माँ के हाथ की खीर है तो पिता की आंखों का नीर भी। संवाद ही है एहसास का संज्ञान, संवाद ही है एहसास का संज्ञान, इससे कहां कोई अनजान, इसीलिए कहा संवाद ही है हर पहेली का समाधान। ये बहुत छोटी लाइन है कुछ, ये राम मंदिर और इन सब पर है। सबका अपना ओपिनियन है, हो सकता है ओपिनियन किसी को ऑफेंसिव हो, बट डोंट टेक इट पर्सनली। ये मेरा अपना ओपिनियन है राम को लेकर। राम तस्वीर में नहीं तसव्वुर में है, राम तस्वीर में नहीं तसव्वुर में है, राम मन की ग्लानी में है। राम तस्वीर में नहीं तसव्वुर में है, राम मन की ग्लानी में है। राम किसी मूर्ति में नहीं, राम हमारे कर्म और वाणी में है। राम तस्वीर में नहीं तसव्वुर में है, राम मन की ग्लानी में है। राम किसी मूर्ति में नहीं, राम हमारे कर्म और वाणी में है। राम जीने का तरीका है,
राम जीने का तरीका है पर अब राम केवल आदर्शों की कहानी में है। राम जीने का तरीका है पर अब राम केवल आदर्शों की कहानी में है। चल पड़े मंदिर बनाने, चल पड़े मंदिर बनाने रावण बन, चल पड़े मंदिर बनाने रावण बन, राम का आदर्श ढूंढते खुद जिधर मनमानी में है। ये अगली कुछ लाइन से मेरे छोटे से बेटे के लिए, मेरा 2.5 साल का बेटा है। तो हम मेरी एक अभी मैं गुड़गांव में एक न्यूक्लियर फैमिली के रूप में रहता हूँ, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने बेटे के लिए, शायद जो लोग फैमिली हो, कितने लोग मैरिड हैं, शायद बहुत कम है, मुझे यहाँ की पोएट्री से लगा कि बहुत कम लोग मैरिड हैं, फिर भी वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे जो छोटे जिनके छोटे बच्चे, जिन्होंने छोटे बच्चे देख रहे हैं, वो अकेला जब खेलता है तो मुझे लगता है मैं उसका बड़ा भाई भी बनूँ और उसकी कंप्लीट फैमिली दूँ। तो उसके लिए तेरी कह कही, तेरी किलकारी और तेरा खिलखिलाता अल्लड़पन, मैं फिर से जीऊंगा तेरे साथ अपना बचपन। मेरे बेटे के लिए तेरी कह कही, तेरी किलकारी और तेरा खिलखिलाता अल्लड़पन, मैं फिर से जीऊंगा तेरे साथ अपना बचपन। तेरे खिलौने तुझसे ज्यादा खेलूंगा, तेरे खिलौने तुझसे ज्यादा खेलूंगा, हर दौर में तुझसे जीतूंगा। जनरली जब फादर अपने बेटे के साथ खेलते हैं तो उसे एंटरटेन करने के लिए उसके साथ हार जाते हैं, लेकिन मैं उसका बड़ा भाई बन उसके साथ हारना नहीं चाहता। तेरी कह कही, तेरी किलकारी और तेरा खिलखिलाता अल्लड़पन, मैं फिर से जीऊंगा तेरे साथ अपना बचपन। तेरे खिलौने तुझसे ज्यादा खेलूंगा, हर दौड़ में तुझसे जीतूंगा। तेरा बड़ा भाई बन हर वक्त तुझे चिढ़ाऊंगा भी, तेरा बड़ा भाई बन हर वक्त तुझे चिढ़ाऊंगा भी, तेरे काम पर लगाकर रोक तुझे खूब खिजाऊंगा भी। हर क्रिकेट के खेल में तुझसे फील्डिंग ही कराऊंगा, हर क्रिकेट के खेल में तुझसे फील्डिंग ही कराऊंगा, वो सड़क के किनारे वाली नाली से बॉल भी तुझसे उठवाऊंगा, वो सड़क के किनारे वाली नाली से बॉल भी तुझसे ही उठवाऊंगा। तेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर, जिंदगी के सारे मजे भी मैं ही कराऊंगा। तेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर, जिंदगी के सारे मजे भी मैं ही कराऊंगा, सही गलत के आकलन में तेरे साथ जिंदगी जीना भी तुझे सिखाऊंगा। तू घर का बेटा नहीं, तू घर का बेटा नहीं कचरे के डिब्बे से लाया गया है, तू घर का बेटा नहीं कचरे के डिब्बे से लाया गया है, यह हर पल बताकर तुझे रुलाऊंगा। बचपन में हम छोटे भाइयों को जनरली कह के चिढ़ाते हैं, तुझे तू घर का बेटा नहीं कचरे के डिब्बे से लाया गया, यह हर पल बताकर तुझे रुलाऊंगा। तेरी हर लड़ाई में आकर मैं ही बनाऊंगा तेरा टशन, मैं फिर से जीऊंगा तेरे साथ अपना बचपन। तेरे स्कूल की सारी बातें, तेरे स्कूल की सारी बातें झूठ सच बताकर, ना मानी माँ तो रो रो कर, तेरे स्कूल की सारी बातें झूठ सच बताकर, ना मानी माँ तो रो रो कर, तेरा छोटा भाई बन अपने हिस्से की पिटाई भी मैं तेरी कराऊंगा। छोटे भाई ऐसे ही पिटाई कराते हैं ना। तेरे स्कूल की सारी बातें झूठ सच बताकर, ना मानी माँ तो रो रो कर, तेरा छोटा भाई बन अपने हिस्से की पिटाई भी मैं तेरी कराऊंगा। तेरे दोस्तों में तेरे साथ आकर, तेरे दोस्तों में तेरे साथ आकर, तेरी मजे की किरकिरी में कराऊंगा। जब कोई बड़ा भाई होता है जनरली छोटे भाइयों का इंटेंशन रहता है कि मैं उसके दोस्तों में चला जाऊं ताकि वो भी मजे ना कर पाए, मैं तो नहीं कर रहा हूं। तेरे दोस्तों में तेरे साथ आकर, तेरे मजे की किरकिरी में कराऊंगा। तेरे दोस्तों की बुराई कर, तेरे दोस्तों की बुराई कर, उनसे तेरा मिलना भी मैं बंद कराऊंगा। तेरी पॉकेट मनी का सारा पैसा, तेरी पॉकेट मनी का सारा पैसा तुझसे अपने ऊपर खर्च कराऊंगा। तेरे पहले ब्रेकअप का, पर तेरे पहले ब्रेकअप का तेरे साथ मैं ही मनाऊंगा मातम, पर तेरे पहले ब्रेकअप का तेरे साथ मैं ही मनाऊंगा मातम। तेरे टॉप ना करने पर भी, तेरे टॉप ना करने पर भी, तेरे टैलेंट का मोहल्ले भर में मैं ही भरूंगा दम, मैं फिर से जीऊंगा तेरे साथ अपना बचपन।